हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल NICU डॉक्टर बाबू में स्वागत है। आज मैं नवजात शिशु को IV कैनूला कैसे लगाया जाता है यही वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो मैंने नवजात शिशु को IV कैनूला लगाने के तरीके पर वीडियो अपलोड कर चुका था अपने इस चैनल पर, बट दोबारा इसीलिए वीडियो अपलोड करना पड़ा कि IV कैनूला लगाने का प्रोसेस वाला वीडियो तो वायरल हो गया था, बट उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, वो भी इंडिया से नहीं फॉरेन कंट्री से कमेंट आ रहे थे कि छोटा बच्चा है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, वैसे नहीं लगाना चाहिए, ग्लव्स का यूज नहीं किए, बच्चा बहुत रो रहा है। अरे यार, बच्चा है तो रोएगा ही ना, बच्चा थोड़ी समझने वाला है। और रह गया बात रहम की, तो हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर रहम करेगा तो बच्चा या कोई भी मरीज ठीक ही नहीं होगा। और हम लोग रहम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रहम नहीं करते हैं, और मरीज को रहम के साथ साथ इलाज भी करते हैं। और भी कमेंट आ रहा था कि बच्चे को इंट्राकिट तो लगा रहे हैं लेकिन ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं। हम ऑलरेडी उसमें कमेंट कर चुके थे, एक दो का तो रिप्ले भी मैंने दिया था कि अरे यार, ग्लव्स हर पेशेंट में लगाना ज़रूरी नहीं है, स्पीड से हाथ को हैंड को मतलब सैनिटाइज कर लो काफ़ी है, उसके बाद ग्लव्स को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ग्लव्स लगाते हैं बट सब पेशेंट में नहीं, पहले पेशेंट का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है वो देखते हैं, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आया तब तो ठीक है, बट अगर किसी पेशेंट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तब ग्लव्स का यूज करते हैं। जैसे पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो हेपेटाइटिस, HIV, TB, एड्स वगैरह ETC, जनरली सब पेशेंट में ग्लव्स का यूज करना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, हमारा मकसद किसी बेबी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी बेबी के गार्जियन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद, थैंक यू।